हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के टॉप 20 प्रश्न के सेट 3 को देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 सेट 2 करा चुका हूं, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके साइंस की तैयारी के लिए क्लास 10th का होना अत्यंत जरूरी है, उसी से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अथवा मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th के साथ साथ कुछ प्रश्न जो होंगे आपके क्लास 12th के होंगे। तो बस आप इस वीडियो के जितने भी सीरीज आएंगे सभी को लगाएंगे, आपके प्रश्न जो है इसी तरह के पैटर्न पर आने वाले हैं और आपके जो प्रश्न होंगे डायरेक्ट प्रश्न यहां से टकरा जाएंगे। तो देखते हैं अभी टॉप 20 प्रश्न, जो क्योंकि आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल आपका 60 नंबर का है, 20 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न। एक नंबर प्रश्न है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? जो अदरक हम लोग खाते हैं उसका कौन सा हिस्सा को जो है हम लोग खाते हैं? तो उसके जो है हम लोग तना को खाते हैं, तना जो होता है अदरक का वही वाला हिस्सा जो है हम लोग खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे अधिक प्रमुख गैस कौन सी होती है? वातावरण में सबसे अधिक जो प्रमुख गैस होती है वह कौन सी होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वातावरण में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही है। अगला जो है आपका केमिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, CH3CH, CH2CH3 और ऊपर से भी जो है CH3 लगा हुआ है। इसका जो है IPUSC नेम पूछ रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए 3H2 मीथेन हो गया, 3H2 क्या हो गया आपका? मीथेन हो गया और ब्यूटेन भी लगा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर 2 मीथेन 2 ब्यूटेन है, देखिए तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? 2 मीथेन ब्यूटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील जो हम लोग बनाते हैं इसमें लोहे के साथ साथ जो है कौन से धातु का जो है मिश्रण होता है? तो इसमें जो होता है निकेल का ज़्यादा मिश्रण होता है। लोहे और निकेल के मिश्रण से जो होता है हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनाते हैं या बहुत सारा जो है इसके सामग्री बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी, आश्रित पानी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्र का पानी। सबसे अच्छा जो है कुचालक सुचालक है बिजली ऊष्मा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी होगा। अगला आपका प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस जो आपका इसका आंसर होगा, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, यह आपका हो जाएगा CO+N2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका जो है, LPG जो गैस होता है कौन से गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो LPG में जो है कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है ताकि जब गैस निकले तो वह महक आए, लोगों को जो है पता चले कि गैस लीक हो रहा है, नहीं तो ऐसे आग लग जाती है। उसमें कुछ जो होता है गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है, वो गैस नहीं होता, वो गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है इसलिए कि जब गैस निकलता है तो महक आए, तो इससे क्या हो जाता है कि हाँ गैस निकल रहा है। तो वो कौन सी गंधीय पदार्थ मिलाया जाता है LPG में? तो वह जो होता है एथीन मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है। एथीन मरकेप्टन जो होता है गंधीय पदार्थ LPG में मिलाया जाता है, तभी जब गैस निकलता है तो हम लोगों को पता चलता है कि गैस निकल रहा है। नेक्स्ट है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो बिजली का जो लैंप होता है, जो बिजली आप देखे होंगे बिजली का लैंप जो उसका तंतु जो होता है टंगस्टन का बना होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो किसी चुंबक को गर्म करने पर जो होता है उसके चुंबक पर जो होता है निम्नलिखित में से जो होता है आपका नष्ट हो जाता है। उसका किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व होता है, सटने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित जो डिटर्जेंट है वो है? तो निम्नलिखित में से जो संश्लेषित डिटर्जेंट है वो आपका जो है सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम एन डोडेडिस सल्फेट, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो बायोगैस में निम्नलिखित में से जो उपस्थित नहीं होता है वो आपका क्या नहीं होता है? मीथेन तो होता है,
कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरीन जो होता है नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी ईजी है, बल का ऐसा इकाई क्या होता है, तो बल का ऐसा इकाई जो है न्यूटन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, रॉकेट प्रोपेलेट की तरह प्रयोग नहीं होता है निम्नलिखित में से, तो आपको बताना है। तो वो क्या नहीं होता, आयोडीन नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रबर बल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, रबर बल्केनाइजेशन में जो प्रयोग किया जाता है गैस, वह कौन सा है। तो वह इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस। तो इसका आंसर एस हो जाएगा, सल्फर। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर प्रश्न आपका जो है, ब्राह अंतरिक्ष में स्थायी रूप से स्थित दूरदर्शित का नाम क्या है। तो जो ब्राह अंतरिक्ष में जो स्थित है, जिसका दूरदर्शी के नाम से हम लोग नाम, उस दूरदर्शी का जो है, निम्नलिखित में से जो है आपका क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वह जो है हबल दूरदर्शी है, हबल दूरदर्शी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो है काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। किस पर बनता है, तो दृष्टि पटल, रेटिना पर जो है, किसी भी व्यक्ति का जो मतलब आँख होता है वो दिखता है, तो रेटिना पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि, उसको हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये भी काफ़ी ईजी प्रश्न है। तो पेड़ पौधे जो है दिन में जो होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न जो है, कॉस्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो कॉस्टिक सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है वो आपका जो है पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट प्रश्न है आपका, तो यह जो है निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। तो ऑक्सीजन रहित जो निम्नलिखित में से वस्तु है वो आपका सीमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। तो आशा करता हूँ कि आपको साइंस के 20 प्रश्न जो है अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।